हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चारों तरफ की सीमाओं के बारे में, प्रदेश के पड़ोसी राज्य एवं देश। ठीक है, तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। ये राजस्थान का नक्शा इस प्रकार से है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं। श्रीगंगानगर के हिंदू मल कोट से सीमा प्रारंभ होती है और इस तरह से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के शाहपुरा तहसील के भलगांव गांव पे ख़त्म होती है इस जगह पे। ठीक है, इसमें याद रखने की बातें कौन कौन सी है कि सर्वाधिक सबसे न्यूनतम न्यूनतम सीमा भारत पाकिस्तान की जो है बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक सीमा बनाता है 464 किलोमीटर जैसलमेर। ये मुख्य बातें होगी। हिंदू मलकोट से प्रारंभ होकर शाहगढ़ तहसील के भलगांव गांव बाड़मेर जिले में पर ख़त्म हो जाती है। इसे पाकिस्तान के मतलब राज पाकिस्तान की सीमा में राजस्थान के कुल 4 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों को छूते हैं। ठीक है, इसमें 9 जिलों में हो गए बहावल नगर, बहावलपुर, रहमियार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। और राजस्थान के 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, इसमें सबसे कम सीमा बीकानेर की और सबसे ज़्यादा जैसलमेर की। ठीक है, इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से रेड क्लिफ रेखा जब बोला जाता है भारत पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान पर सर्वाधिक नज़दीक मुख्यालय श्रीगंगानगर का है, जिला मुख्यालय, और सबसे दूर बीकानेर का है। ठीक है, और ये सबसे नज़दीक संभाग मुख्यालय है बीकानेर और जिला मुख्यालय सबसे दूर है। इसके बाद आता है अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे आपके है पंजाब, ये सबसे कम सीमा 89 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों को सीते हैं। पंजाब के 2 जिले हैं फाजिलका और मुक्तसर FM। राजस्थान के 2 जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा की 1262 किलोमीटर हरियाणा राजस्थान की सीमा है। इसमें हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों को छूते हैं। हरियाणा के जिले हैं फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू, ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सिर फतेह करते ही भीम और रेणु मरे। राजस्थान के जिले क्या हो गए सीमा पे? गंगानगर, हनुमानगढ़ पंजाब से, हनुमानगढ़ हरियाणा से भी जुड़ता है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर की सीमा। इस तरह से 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों से जुड़ते हैं। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को छूते हैं, 877 किलोमीटर। ठीक है, इसमें सर्वाधिक सीमा होगी भरतपुर की और उसके बाद सबसे कम धौलपुर की। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। इस जगह से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों को छूते हैं और सीमा सबसे अधिक सर्वाधिक 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, तो धौलपुर से शुरू होती है, पहले मुरैना जिला आता है MP का, फिर श्योपुर, फिर शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। इस तरह से 10 जिले आते हैं। राजस्थान के 10 जिले कौन से आते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद कोटा, बारां, झालावाड़। झालावाड़ की सर्वाधिक सीमा MP से जुड़ती है मध्य प्रदेश। उसके बाद कोटा, इधर चित्तौड़गढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है और बांसवाड़ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस जगह से गुजरात शुरू हो जाता है। तो गुजरात की 1022 किलोमीटर सीमा है राजस्थान गुजरात की, जिसमें 6 जिले गुजरात के और 6 जिले राजस्थान को छूते हैं। ठीक है, तो गुजरात के कौन से जिले हो गए? दाहोद, माहीसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ, ये 6 जिले गुजरात के। राजस्थान के 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही,
जालौर और बाड़मेर की सीमा को छूते हैं। ठीक है, और प्रमुख बातें बता देता हूँ मैं। राजस्थान के 8 जिले ऐसे जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी सीमा को नहीं छूते हैं। जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, राजसमंद, टोंक, बूंदी और दौसा, ये 8 जिले किसी भी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं।